भला होने वाला नहीं है, और जनता जान चुकी है कि ये अवसरवादी संगठन है, और अवसरवादी संगठन कभी इस जनता का भला नहीं कर सकता। केवल मोदी और योगी ही देश का प्रदेश का भला कर सकते हैं, और ऐसे कोई नेता नहीं है। बाकी 300 लाख करोड़ के ये नेता हैं, इसलिए ये चोर इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी मोदी हटाओ अभियान है इनका, क्योंकि मोदी जी ने सबके ताबूत में कील ठोक दी है कि ईमानदार रहना पड़ेगा देश में। जो भी रहेगा, जो भी संगठन रहेगा, जो भी पार्टी रहेगी, उसको ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर ईमानदार नहीं होगा तो वो पार्टी चला नहीं पाएगा। इस कारण 300 लाख करोड़ के मालिक 22 संगठन आज आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के पोते के नाम 18 अरब की संपत्ति, जो कि 3.5 साल का हुआ है, 18 अरब की संपत्ति आई कहाँ से, मुझे बताइए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो इसलिए चोर चोर मुसेरे भाई हैं, 300 लाख करोड़ के इकट्ठे हैं, इनका भंडाफोड़ न हो जाए, इसलिए मोदी हटाओ अभियान में जुटे हुए हैं, और मोदी ही रहेंगे ऐसा जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि 60% वोट एक तरफ जाएगा और 40 में ये सब कुनबा बटेगा।